आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सपा नेताओं पर शिकंजा कस रहा है आयकर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा नेताओं पर कसा आयकर का शिकंजा। नेताओं और व्यापारियों के ठिकाने पर हुई छापेमारी, करोड़ों की घोटालेबाजी आई सामने। फर्जी रसीद, अघोषित निवेश आए सामने। 86 करोड़ की अघोषित आय के मिले सबूत। कोलकाता से 40 करोड़ के बोगस के मामले भी आए सामने। सपा नेताओं पर कसा आयकर का शिकंजा, बड़ी खबर सामने आ रही है। नेताओं और व्यापारियों के ठिकानों पर हुई छापेमारी, करोड़ों की घोटालेबाजी आई सामने। फर्जी रसीद, अघोषित निवेश और आय के सबूत मिले। 86 करोड़ की अघोषित आय के भी मिले सबूत। कोलकाता से 40 करोड़ की कैपिटल भी मिले। सपा नेताओं पर कसा शिकंजा, नेताओं और व्यापारियों के ठिकाने पर छापेमारी की खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे योगी। लखनऊ के केडी सिंह स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी। लखनऊ के केडी सिंह स्टेडियम में होगा कार्यक्रम, बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देश में इस वक्त अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अमृत महोत्सव में सीएम योगी होंगे शामिल। केडी सिंह स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ के केडी सिंह स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। लखनऊ में होगा आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से सोनभद्र के लिए रवाना होंगे सीएम। लखनऊ में दबंगों ने युवक को लाठी डंडे से पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दबंगों ने युवक को किया लहूलुहान, युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां लाठी डंडों से जमकर युवक की गई पिटाई, कृष्णा नगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही। लखनऊ में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा, दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। दबंगों ने युवक को किया लहूलुहान। वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, बड़ी खबर सामने आ रही है। 23 दिसंबर को जाएंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। बनास डेयरी संकुल की आधारशिला भी रखेंगे पीएम। वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 23 दिसंबर को बनारस जाएंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे पीएम। वाराणसी दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, बड़ी खबर सामने आ रही है। 23 दिसंबर को वाराणसी जाएंगे पीएम। लखनऊ में महिला बैरक का वीडियो हुआ वायरल, महिला होमगार्ड के साथ अधिकारी का डांस वायरल। महिला होमगार्ड्स की चल रही ट्रेनिंग, ट्रेनर महिला होमगार्ड के साथ डांस कर रहा अधिकारी। लखनऊ में महिला बैरक का वीडियो हुआ वायरल, महिला होमगार्ड के साथ अधिकारी का डांस वायरल। महिला होमगार्ड की चल रही ट्रेनिंग, लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर दौरे पर जाएंगे भूपेश बघेल।
कांग्रेस की रैली में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के सीएम, किसान रैली में शामिल होंगे भूपेश बघेल। सदर के केवलपुरवा में होगा किसान रैली का आयोजन। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लखीमपुर दौरे पर जाएंगे भूपेश बघेल। कांग्रेस की रैली में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के सीएम, किसान रैली में शामिल होंगे भूपेश बघेल। सदर के केवलपुरवा में होगा किसान रैली का आयोजन। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लखीमपुर दौरे पर जाएंगे भूपेश बघेल। कांग्रेस की रैली में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, किसान रैली में शामिल होने के लिए जा रहे हैं भूपेश बघेल। सदर के केवलपुरवा में होगा किसान रैली का आयोजन। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लखीमपुर दौरे पर जाएंगे भूपेश बघेल। कांग्रेस की रैली में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के सीएम, किसान रैली में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। सदर के केवलपुरवा में होगा किसान रैली का आयोजन। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए लखीमपुर दौरे पर जाएंगे भूपेश बघेल। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस की रैली में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के सीएम, किसान रैली में शामिल होंगे भूपेश बघेल। सदर के केवलपुरवा में होगा आयोजन। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लखीमपुर दौरे पर जाएंगे भूपेश बघेल। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, लखीमपुर के दौरे पर भूपेश बघेल रहेंगे तो कांग्रेस को कितनी ताकत मिलने वाली है? लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लखीमपुर दौरे पर भूपेश बघेल जाएंगे। जिस तरह से कांग्रेस अब पूरे जोर शोर के साथ चुनावी रैलियां कर रही है और कई बड़े मुद्दों को उठा रही है, और अब इसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी जब जुड़ेंगे तो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरा है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। तो जब वो उत्तर प्रदेश की जमीन पर आएंगे, कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, तो लोगों के बीच अपनी पहुंच और बढ़ाया रही है कांग्रेस, और इसी में काफी अहम भूमिका भी निभाते हुए नजर आएंगे भूपेश बघेल। किसान रैली में शामिल होंगे, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी किसान प्रदर्शन का एक अच्छा खासा असर देखने को मिला था, और जब लखीमपुर में किसान प्रदर्शन यानी किसानों का जो आयोजन किया जा रहा है कार्यक्रम का, उसमें भूपेश बघेल शामिल होंगे तो काफी अहम साबित हो सकता है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, लखीमपुर जिस तरह से किसान रैली का आयोजन किया जा रहा है, उसमें भूपेश बघेल आ रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री चेहरा आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे जो भी पार्टियां हैं उनके बड़े चेहरे हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी के लिए जनता के बीच जा रहा है, समर्थन की मांग कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को अपने पाले पक्ष में किया जा रहा है। जी, जिस तरह से पश्चिम में लगातार रैलियां हो रही, आपको बता दूं वहां पर आरएलडी की रैली रही, भाजपा द्वारा रैली रही, तो तमाम तरह के सम्मेलन भी हो रहे हैं, महिला सम्मेलन भी हो रहे हैं, हम शुरू से देखते आ रहे हैं। जब लखीमपुर का तिकुनिया कांड हुआ था तो लगातार कांग्रेस की तरफ से बड़े बड़े नेता सुने गए थे, जैसे पंजाब के जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल रहे, भूपेश बघेल भी इस समय आए थे। मैं आपको बता दूं, जब प्रियंका गांधी लखीमपुर के तिकुनिया कांड में जो पीड़ित परिजन है उनसे मिलने गई थी, उसके बाद भी अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले भी कल कमलनाथ आए थे, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि सारे बड़े नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो भी चुनाव में आ गए हैं, और चुनाव के और कांग्रेस के लिए लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जा भी रहे हैं, और जो बड़े बड़े कार्यक्रम सम्मिलित भी हो रहे हैं, और साथ ही साथ प्रदेश कार्यालय में भी जो कार्यकर्ता है, जो उनके पदाधिकारी है, उनको भी चुनाव के गुर सिखाते नजर आ रहे हैं। तो बड़ी किसान रैली है वहां पर जा रहे हैं, वहां पर निश्चित रूप से जो बड़े नेता है उनके पहुंचने से कुछ ना कुछ लाभ जरूर होता है, क्योंकि वो अपना अनुभव अलग बताते हैं, और जो बेहतर कार्य वो अपने राज्य में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की वहां सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो एक अलग संदेश जाता है, और संदेश को देखते हुए ये महत्वपूर्ण रैली मनाई जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता गौरव जुड़े थे। हुंकार भरेंगे गृह मंत्री अमित शाह, 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक 7 बार यूपी आएंगे अमित शाह।
21 जनसभाएं 3 रोड शो करेंगे अमित शाह। 24 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे अमित शाह। अयोध्या और गोरखपुर में रोड शो करेंगे शाह। यूपी चुनाव में हुंकार भरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक 7 बार यूपी आएंगे अमित शाह। 21 जनसभाएं 3 रोड शो करेंगे अमित शाह। 24 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे गृह मंत्री। अयोध्या और गोरखपुर में रोड शो करेंगे शाह। चुनाव में हुंकार भरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर सामने आ रही है, 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक यानी कई दिनों तक जनसभाएं करेंगे। 21 जनसभाएं 3 रोड शो करेंगे। 24 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे अमित शाह। अयोध्या और गोरखपुर में रोड शो करेंगे शाह। चुनाव में हुंकार भरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। जिस तरह से चुनाव नजदीक आते जा रहे वैसे वैसे रैली जनसभाओं का दौर तेज होता जा रहा है। 21 जनसभाएं 3 रोड शो करेंगे अमित शाह। 24 दिसंबर को प्रयागराज में मौजूद रहेंगे शाह। अयोध्या और गोरखपुर के दौरे पर भी रहेंगे जहां रोड शो करेंगे अमित शाह। चुनाव में हुंकार भरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक 7 बार यूपी आएंगे शाह। अखिलेश यादव करेंगे परशुराम की मूर्ति का उद्घाटन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास लगाई गई मूर्ति। मूर्ति के साथ लगाया जाएगा 68 फीट का फरसा। एसपी ने लगवाई भगवान परशुराम की मूर्ति। अखिलेश यादव करेंगे परशुराम की मूर्ति का उद्घाटन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास लगाई गई मूर्ति। मूर्ति के साथ लगाया जाएगा 68 फीट का फरसा। एसपी ने लगवाई भगवान परशुराम की मूर्ति। अखिलेश यादव करेंगे परशुराम की मूर्ति का उद्घाटन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास लगाई गई मूर्ति। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार अलर्ट। बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्र सरकार ने राज्यों को किया अलर्ट। वॉर रूम एक्टिव करने के दिए निर्देश। जरूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू लगाए। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार अलर्ट। केंद्र सरकार ने राज्यों को किया अलर्ट। वॉर रूम एक्टिव करने के दिए निर्देश। जरूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू लगाए। ओमिक्रॉन को लेकर सरकार अलर्ट। केंद्र सरकार ने राज्यों को किया अलर्ट। वॉर रूम एक्टिव करने के दिए निर्देश। सुल्तानपुर में खोला जाएगा सीज पीसीएफ गोदाम। 27 नवंबर को खोला जाएगा। डीएम रवीश गुप्ता के निर्देश पर खोला गया गोदाम। भंडार नायक की आत्महत्या के बाद से सीज था गोदाम। घोटाले की आशंका के बाद सीज करा गया था गोदाम। नगर कोतवाली के ब्यागीपुर का मामला। सुल्तानपुर में खोला जाएगा सीज पीसीएफ गोदाम। 27 नवंबर से खोला जाएगा सीज पीसीएफ गोदाम। डीएम रवीश गुप्ता के निर्देश पर खोला गया गोदाम। भंडार नायक की आत्महत्या के बाद सीज कराया गया था गोदाम। घोटाले की आशंका के बाद सीज कराया गया था गोदाम। नगर कोतवाली के ब्यागीपुर में है पीसीएफ। सुल्तानपुर में खोला जाएगा सीज पीसीएफ गोदाम। 27 नवंबर से खोला जाएगा पीसीएफ गोदाम। वैष्णो देवी मंदिर के पास जंगलों में लगी आग। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से नहीं रोकी गई यात्रा। वैष्णो देवी मंदिर के पास जंगलों में लगी आग। घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने से नहीं रोकी गई यात्रा। वैष्णो देवी मंदिर के पास जंगलों में लगी आग। घंटों मशक्कत के बाद पाया जा सका काबू। वैष्णो देवी मंदिर के पास जंगलों में लगी आग। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।